नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा के बरमसिया पुल पे है। आपको बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब अभी आए थे और यहाँ पे बरमसिया पुल का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं लगातार जो पुल जो है हवा में उठे हुए हैं, वो पुल को निरीक्षण किए, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कभी दिवाली और छठ पूजा है लगातार, आपको बताना चाहता हूँ, और आवागमन लगातार इस पुल से होते रहती है, कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती है और लोगों को परेशानियाँ हो सकती है। ऐसे में एसडीएम अभय तिवारी ने आनन फनन में आए झाझा और झाझा बरमसिया पुल का निरीक्षण किए, और देखिए क्या कुछ कहे बरमसिया पुल को लेकर, वो आपको खबर दिखाने की कोशिश करूँगा। मगर आपको बताना चाहता हूँ, आए थे बरमसिया पुल को देखने के लिए, मगर उन्होंने एक बात, बगैर लाइसेंस धारी पटाखे बेचते हैं उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अगर पटाखे बेचने हैं तो वो ग्रीन पटाखे बिकेंगे, जिस तरीके से अगर लाइसेंस धारी आप नहीं हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभय तिवारी ने डायरेक्ट बोला कि अगर पटाखे बेचने वाले के ऊपर बड़ी कार्रवाई। आज झाझा प्रखंड अंतर्गत जो छठ घाट है और बरमसिया पुल, थोड़ा सा बरमसिया पुल का निरीक्षण करने के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। बरमसिया पुल जो कि एक इम्पॉर्टेंट पुल है और कई सारे गांवों को जोड़ता है, जिसके कारण ये पुल लोगों के जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके नीचे पाए में थोड़ा क्रैक्स आ गया है, पाया एक दिशा से अवक्षरित होकर वो उठ गया है। तो ऐसी स्थिति में इसके क्या एहतियाती उपाय और ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, इस संबंध में देखने और निर्णय लेने के लिए हम आए हैं। और इसको देख कर जिला पदाधिकारी महोदया को सूचना दी जाएगी, जिसके बाद इसका मरम्मति का कार्य एवं अन्य एहतियाती उपाय किए जाएंगे। सर, दुर्घटना होने के बाद पुल का निर्माण होगा? सर नहीं, इसी के लिए दुर्घटना होने से पहले इसीलिए आ गए हैं कि पहले ही निर्माण हो जाए, और वो चूँकि देख लिया गया उसमें जो भी एहतियाती उपाय है वो अविलंब किए जाएंगे। सामने छठ पूजा है इसलिए के आवाजाही रहेंगे, तो इसके लिए क्या उस पे रोकथाम रहेंगे? पुल की जो भी क्षमता है, इंजीनियर भी हमारे साथ आए हुए हैं, उस क्षमता के अनुरूप ही आवाजाही को परमिट किया जाएगा। उससे ज़्यादा कोई भी वाहन या कुछ भी आवाजाही नहीं करेगा। सर, इस छठ पूजा ऐसे में भीड़ काफ़ी पुल पर भी बढ़ेगी। हाँ, इससे पहले सर बैरिकेडिंग की भी बात हुई थी, बैरिकेडिंग सर समस्या का समाधान नहीं है। एसडीएम सर, क्या आप एहतियातन कदम उठाएंगे? आप इसके मेंटेनेंस के लिए जैसा कि बोला, हम लोग उपाय उठाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय अभी RWD वगैरह से बात करके इसका मेंटेनेंस कराएंगी, और साथ ही जो बैरिकेडिंग और अन्य तरह के रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स होते हैं उसको हम लोग लेंगे, ताकि पुल पे उसकी क्षमता से अधिक भीड़ न इकट्ठा हो। सर, नज़दीक में छठ पर्व है सर, और यहाँ पे दुनिया भर का फल का गोदाम है और काफ़ी ट्रक आना चालू हो गया सर, तो पुल का स्थिति काफ़ी नाजुक है, तो सर बैरिकेडिंग अभी नहीं लगेगा फिलहाल के लिए सर, तो पुल धस कभी भी धस सकता है? नहीं, इसमें कोई ट्रक्स नहीं, इसमें बैरिकेडिंग अविलंब लग जाएगा, आज कल के अंदर ये सब कुछ लग जाएगा। जो भी क्षमता है उससे ज़्यादा कोई भी वाहन इसमें परमिटेड नहीं रहेगा। एक सवाल है सर, दीपावली पर्व है, इसमें बिना लाइसेंस के झाझा बाजार में पटाखे बेचे जा रहे हैं, क्या इसका मापदंड है? देखिए, जो भी पटाखा की दुकानें हैं वो बिना लाइसेंस के नहीं चल सकती, और चूंकि पूर्व के वर्षों में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है, इस बार भी कार्रवाई की जा रही है, जो भी दुकान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं अविलंब बंद कर देंगे, अन्यथा प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, जब वो जद में आएंगे तो व्यापक रूप से उन पर प्राथमिकी और अन्य कार्रवाई की जाएगी, अतः इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सर, इस तरह में तो राजस्व पे काफ़ी घाटा लगेगा सर, इस तरह देखिए जो नियम कानून है वो नियम कानून है, उसमें राजस्व नहीं देखा जाएगा, नियम कानून का एज इट इज पालन कराएगा। आप लाइसेंस लीजिए, उसके बाद आप टैक्स देंगे। इलीगल एक्टिविटी अगर सरल हो तो सर आम आदमी भी लेकर कुछ, क्योंकि सर पर्व है दीपावली छठ, पटाखे फुलझड़ियाँ लोग बेचते हैं, इससे कई लोगों का जीविका का उपार्जन भी होता है, कई लोगों की दाल रोटी चलती, तो लाइसेंस की प्रक्रिया अगर सुलभ कर दी जाए तो ना सिर्फ कानून का भी पालन होगा बल्कि कई लोगों की दाल रोटी भी चलेगी। सर, लाइसेंस की प्रक्रिया सुलभ है, लेकिन जो नियम कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आदेश आया हुआ है, उन आदेशों का अनुपालन किए बिना लाइसेंस दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। जो भी पटाखे की दुकान इन सारे लाइसेंसों का पालन, सारे शर्तों का, निर्देशों का पालन करेंगी, उसे अविलंब लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ग्रीन पटाखों को ही बेचना है और बहुत सारे अन्य मेजर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब तक उसका पालन नहीं करेंगे किसी को लाइसेंस। झाझा मुख्य बाजार में सभी तरह का पटाखा बिक रहा है सर? नहीं, उस पर कार्यवाही हो रही है और आगे भी होगी, पिछले साल भी हुई थी। को लेकर भी आपने कई बार कहा सड़कें क्लियर होंगी, सड़कें जाम है सर, अभी आप भी आएंगे तो आपको भी जाम का सामना करना पड़ा होगा। चूँकि अतिक्रमण कई बार हटाया भी जाता है, लेकिन अस्थायी अतिक्रमण है तो लोग पुनः लगा लेते हैं, क्योंकि छठ पर्व है, तो हम इस पर्व के बाद जिला पदाधिकारी महोदया भी बोले, इसके बाद एक अतिक्रमण की ड्राइव चलेगी,
और लोगों को जो अतिक्रमण किए उन्हें हटाया जाएगा। सर पत्रकार भीड़ का हिस्सा होता है क्या सर? 107 का मुकदमा लगा दिया जाता है छठ पूजा दीपावली दुर्गा पूजा में, क्योंकि पत्रकार सवाल न पूछे प्रशासन से, इसलिए कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है क्या सर? नहीं देखिए, हमारे संज्ञान में मामले आए थे, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 107 भीड़ या बिना भीड़ की बात नहीं है। 107 की कुछ शर्तें हैं कि जिससे यदि लगता है कि लोग प्रशांति भंग हो सकती है, ऐसे लोगों पे 107 की कार्रवाई की जाती है। अब इसमें यदि किसी व्यक्ति पे की जाती है तो उस पर हम लोग जांच करवा लेंगे कि क्या लोक प्रशांति को वास्तव में कोई खतरा था या नहीं था। यदि नहीं होगा तो ऐसे लोगों पे 107 की कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें मुक्त किया जाएगा। सर दुर्गा पूजा में लगभग दर्जन भर पत्रकार को झाझा में 107 हुआ सर, जिससे कि पत्रकार अपने एडवर्टाइजमेंट खबर को ले नहीं सका सर। कहीं ना कहीं चैनल से भी हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है सर। अब देखिए, जो आया हमारे पास व्यक्तियों का नाम आता है, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं। जिस पे आया, जिस पे यदि कुछ आरोप है या कुछ प्रशांति की समस्या है, उस पे 107 की कार्रवाई की जाती है। इसमें से आप लोगों से कुछ पत्रकारों ने इसका विरोध जताया, उन्होंने आवेदन दिया है, उसका एक पत्र थाना प्रभारी से जा रहा है कि इनके द्वारा क्या क्या ऐसी चीज़ें की गई है जिससे आपको लगा कि ये लोग प्रशांति भंग करेंगे, उनका जवाब आएगा। यदि ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को भी लगता है तो हमारे सामने वो अपनी बात रख सकते हैं, लिखित में कह सकते हैं कि हमको ये चीज़ें हैं, हम इस तरह से शांति स्थापित करेंगे, उनको इससे बरी किया जाएगा। देखिए, उनके आने से बहुत आश्वासन मिला। खैर, बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी बरमसिया पुल को लेकर के। बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ के कुछ अधिकारी थे जो कि बोल रहे थे कि पेचिंग का काम कर देते हैं। हमने सख्त मना किया, बोला पेचिंग से काम नहीं होगा, इसको मजबूती तौर पर काम करिए, ब्रेटिंग लगा के कुछ दिन समय लगेगा, अवरुद्ध होगा पुल, लेकिन आप बढ़िया से काम करिए। SDM साहब ने साफ तौर पर कहा कि पेचिंग वगैरह काम नहीं होगा, जो भी होगा काम दुरुस्त होगा। और ये कहीं ना कहीं जितने भी आंदोलनकारी थे इसके मांग को लेकर, कहीं ना कहीं उनकी मांगों को आज पूरा किया गया, उनका आवाज़ों को सुना गया जिला प्रशासन के द्वारा। हम जिला प्रशासन के माननीय अभय तिवारी को धन्यवाद देते हैं, जिला अधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के अंचलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हम लोग की आवाज़ को सुन करके यहाँ पर आए और इसका निरीक्षण किया। गौरव सिंह, आपसे एक सवाल है, जिस तरीके से बाजार में अभी तक पटाखा का बिक्री चल रही है, उस पे क्या कार्रवाई? बिना लाइसेंस धारी पटाखा लोग बेच, देखिए साफ तौर पर SDM साहब ने भी कहा है कि जो बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं पटाखा, वो ना बेचे पटाखा, उसका एक विधि होता है, उस विधि में आकर के ही आप कारोबार कर सकते हैं। हालांकि पटाखा बेचने का कहीं भी लाइसेंस नहीं मिलता है, जहां तक हमको पता है, कोर्ट के द्वारा भी नहीं मिल जाता, तो छोटे मोटे पटाखे बिक सकते हैं, दिवाली है, पर्व है, लेकिन जो बड़े बड़े धमाके वाले पटाखे हैं, कम से कम उस पर बैंड होनी चाहिए। और ये थाना प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वो इस तरह का जाँच करे और जो भी अवैध तरीके से बड़े बड़े धमाके वाले पटाखे बेच रहे हैं बाजारों में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार का गाइडलाइन है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे बेच सकते हैं? बिल्कुल, बोले तो शांति, दिवाली है, शांति का त्यौहार है, पटाखे फूटते हैं, छोटे मोटे पटाखे फूटते हैं, हम लोग भी फोड़ते हैं, जैसे बिड़िया पटाखा हो गया, छुरछुरिया हो गया, फुलझड़ी हो गया, लेकिन कुछ बम फूटते हैं और बम भी अब ऐसे ऐसे आने लगे हैं कि पिछले साल ही एक हमारे संगठन के लड़के थे, बम फूटने में उसका हाथ का 2 उंगली कट गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, किसी के साथ क्षति हो जा रहा है, तो इस तरह का रोक होना चाहिए, रोक होना चाहिए। बरमसिया का पुल जर्जर स्थिति में अभी SDM साहब भी आए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग इस पुल का बहुत पहले विरोध भी किए थे जी, और कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन ना यहाँ क्षेत्रीय विधायक का, ना सांसद का, किसी के कानों में चू तक नहीं हुआ जी। और हम लोग नगर पंचायत और पंचायत, ये क्षेत्र जो है 3 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और आवागमन बहुत है, जिसमें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती है, कभी यह ध्वस्त हो जाएगा, कभी यह क्षतिग्रस्त होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है।